ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी जूसी। तो आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आमना आपी आप इतना खाती हैं लेकिन आप इतनी स्लिम कैसे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, वाकई ये बात सच्ची है। और मैं हैवी खाने के बाद मैं लेती हूँ तपाल की ग्रीन टी। तो अगर आप भी मेरी तरह फिट रहना चाहते हैं ना, तो आप भी हैवी खाने के बाद तपाल की ग्रीन टी ज़रूर ट्राई करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में फ्राइड चिकन लेग, स्पाइसी क्रिस्पी मज़े की। तो आप चाहें तो आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। तो आप सोचते हैं इतना हैवी खाने के बाद अपने आप को मेंटेन कैसे रखा जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि अपने आप को मेंटेन कैसे रखा जाता है और मैं अपने आप को मेंटेन कैसे रखती हूँ। चिकन की लेग्स लिए हैं मैंने 8 अदद, लेमन लिए हैं मैंने 2 अदद जिनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे हम 1/2 टीस्पून। तो ये चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम चिकन की लेग्स है ना उस पर कट्स लगाएंगे, एक पकड़ेंगे, इस तरह लगा के। तो ये देखिए सारी लेग्स पर मैंने कट्स लगा लिए। अब इसमें हम लगाएंगे लेमन जूस, अब इस पर लगाएंगे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह हम सारा लेग्स पे लगा लेंगे अदरक लहसुन, नमक और लेमन जूस। तो ये देखिए सारा हमने अच्छी तरह से अदरक लहसुन, लेमन जूस, नमक लगा लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, स्टीम कर लेंगे। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है आप इसे स्टीम कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है इसको मैरिनेट करने का तो आप इसे स्टीम करके रख लें। तो मैं इसे स्टीम करूंगी सिर्फ 10 मिनट के लिए। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम ये सारी लेग्स डाल देंगे, सेट कर लेंगे इसको और इसे कवर करके छोड़ देंगे हम 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। दस मिनट हो चुके हैं तो ये देखें अभी नहीं हम निकाल लेंगे, ये हो गई, इस साइड पे करेंगे। अब ये जो पानी है ना इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम निकालेंगे एक बाउल में, इसे हम डालेंगे अंडों में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे डालना है। तो अब हमने लेग्स पे कोटिंग करनी है। तो कोटिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप मैदा, 2 अदद अंडे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1/2 टीस्पून, ओरिगानो लिया हमने 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून। तो ये जो मसाले हैं ना आधे हम अंडों में डालेंगे आधे हम मैदे में डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून है ना कुटी हुई लाल मिर्च, तो 1 टीस्पून हम अंडे में डालेंगे और 1 टीस्पून हम मैदे में डालेंगे। तो इसी तरह हम सारे कर लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे अंडों में, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, ओरिगानो, पेपरिका पाउडर। तो अभी नहीं हम मिक्स कर लेंगे, हो गया। अब अंडों को हमने डालना है वो वाली यखनी में जो चिकन से निकली है। ठीक है, इसको साइड पे करते हैं और इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, हो गया। अब हमने कोट करना है। अब एक लेग पकड़ेंगे, इसे हम रोल करेंगे मैदे में, अब अंडे में, फिर से मैदे में, चाहें तो आप डबल कोट भी दे सकते हैं इस तरह। ये देखें फिर से अंडे में, फिर से मैदे में,
ये देखें ये हो गया, इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो ये रेडी है, आप चाहें तो आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर ईद है तो आपने उसे चांद रात को बना के रख लेना है और इसे फ्रीज कर लेना है, जब आपका दिल करे इसे निकालें फ्रीजर से और फ्राई कर लें। तो आप इसे तकरीबन 1-2 महीने के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे अभी फ्राई करूँगी, आप बना लें ढेर सारा और इसे फ्रीज कर लें। तो मैं इसे अभी फ्राई करूँगी, एक बर्तन लेंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तकरीबन इसे फ्राई होने में लगेंगे 10 से 15 मिनट, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे। मैं आराम से इसे फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखें ये फ्राई हो चुकी हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी की कर लेंगे। तो अब मैं इसे टेस्ट करूंगी। ऊपर से खुशबू, अंदर से जूसी जूसी। तो आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आमना आप इतना खाती हैं लेकिन आप इतनी स्लिम कैसे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, वाकई ये बात सच्ची है। और मैं हैवी खाने के बाद मैं लेती हूँ तपाल की ग्रीन टी। तो चले आप भी देखिए कि मैं तपाल की ग्रीन टी कैसे रेडी करती हूँ खाने के बाद, वो भी हैवी खाने के बाद। अभी मैंने ये खाया है ना, उसके बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। तो चलें अब मेरे साथ। मेरे यहाँ पे तपाल ग्रीन टी के 2 फेवरेट फ्लेवर्स हैं, जिसमें है लेमन और जिंजर हनी। तो लेमन है हाजमे के लिए, जब मैं ज़्यादा कुछ हैवी खा लेती हूँ ना तो मैं ले लेती हूँ लेमन ग्रीन टी। तो कभी कभार ऐसा होता है इफ्तारी करने के बाद मुझे वीकनेस हो जाती है, तो मैं अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जिंजर हनी ग्रीन टी लेती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह ग्रीन टी बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ तपाल की लेमन ग्रीन टी और इसमें मैं डालूंगी हॉट वाटर। आप चाहें तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं शुगर ऐड नहीं करती। तो ये देखिए झटपट हमारी लेमन ग्रीन टी रेडी है। तो अब मैं यहाँ पे लूंगी तपाल की जिंजर हनी ग्रीन टी, हॉट वाटर। तो रेडी है हमारी क्विक एंड इजी ग्रीन टी। तो अगर आप भी मेरी तरह फिट रहना चाहते हैं ना, तो आप भी हैवी खाने के बाद तपाल की ग्रीन टी जरूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये फ्राइड चिकन लेग्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन नामा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ नामा चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।